नमस्कार, मैं प्रेरणा। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मेथी के पराठे। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो ये है। सबसे पहले आप ले लीजिए आटा 200 ग्राम, मेथी 150 ग्राम, और इसमें आप चाहे तो सोया को भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि मेथी कभी बहुत थोड़ी कड़वी हो जाती है, तो इसमें आप थोड़ा सा सोया मिक्स कर सकते हैं। पानी चाहिए आपको आटा गूंदने के लिए, तेल चाहिए पराठे सेकने के लिए, नमक चाहिए स्वाद अनुसार, मिर्ची पाउडर ले लीजिए, लाल मिर्ची पाउडर ले लीजिए आप 1/2 टीस्पून, 2 हरी मिर्च ले लीजिए, इन्हें बारीक काट लीजिए, और 1 चुटकी अजवाइन ले लीजिए। अजवाइन आप चाहे तो नहीं भी डालें, ये आपके ऊपर है। हाँ, आटा भी आप रख लीजिए थोड़ा सा निकाल के, क्योंकि जब हम पराठे बेलेंगे तो उसमें सूखा आटा लगा के ही हम पराठे बेलेंगे। आइए अब हम बनाते हैं। अब आप एक बर्तन ले लीजिए जिसमें कि आप आटा गूंदेंगे। इसमें सारा आटा आप डाल दीजिए, मेथी भी डाल दीजिए, मेथी में मैंने सोया थोड़ा सा मिक्स किया है, नमक स्वाद अनुसार डाल दिए, लाल मिर्ची पाउडर, हरी मिर्च और अजवाइन। अजवाइन ऑप्शनल है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, वरना आप मत डालिए। अब इनको पहले अपने हाथों की हेल्प से इनको अच्छे से पहले मिक्स करिए, क्योंकि मेथी में भी पानी होता है, तो इसको पहले आप अच्छे से इस तरीके से मिक्स करिए आटे में। ये देखिए इस तरीके से ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम पानी की मदद से गूंदेंगे। गूंदने के लिए सर आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, कभी भी एक साथ ज्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, अगर और पानी की जरूरत हो तो इसमें फिर डालिए। ये देखिए ये आपका डो बनके तैयार हो चुका है। अब हम पराठे सेकेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये मेथी का डो बनके तैयार हो चुका है, आटा हमने गूंद लिया है। अब इसको आप इस तरीके से देखिए इतने बड़े बड़े इसके गोले बना लीजिए। अब इस तरीके से हथेली में लीजिए और फिर इन्हें ऐसे घुमाते हुए देखिए गोले बन गए हैं। इस तरीके से आप इसको गोले बना के रख लीजिए। आप आटे के इसी तरीके से गोले। अब आप चकला ले लीजिए और ये आटा है सूखा, ये आटा भी ले लीजिए। अब जो आपने ये गोले बनाए थे इसे लेके सूखे आटे में लगाते हुए इसे बेल लीजिए। देखिए जब भी आप बेलते हैं तो होता है बीच की तरफ से पतला हो जाता है और साइड से मोटे रह जाते हैं, तो आप साइड से भी इसको ध्यान दीजिए कि आपको बेलना है इसको साइड से। इसमें आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और इसे आप इस तरीके से बंद कर लीजिए। देखिए और फिर इसमें आप आटा लगा लीजिए सूखा, फिर इसे रख के फिर से बेलिए। ध्यान दीजिए साइड से भी बेलते रहिए, वरना साइड से मोटे रह जाते हैं पराठे। एक पराठा आपका तैयार हो चुका है, ये देखिए स्क्वायर शेप का पराठा। ले लीजिए, इसमें भी सूखा आटा लगा लीजिए
उसे आप भेज दीजिए। ये मैं आपको तीन शेप के अलग अलग पराठे बनाना दिखा रही हूँ, आप किसी भी तरीके का पराठा बना सकते हैं। आप इसको सिर्फ गोल सर्कल शेप का राउंड बना लीजिए। थोड़े पराठे आप थोड़े पतले पतले बनाइए, जिससे कि जब आप तवे पे उसको सेकें तो वो थोड़ी क्रिस्पी से हो जाए, और क्रिस्पी पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, ये सर्कल शेप का पराठा बन गया है। अब इसे भी आप साइड में रख लीजिए। अब एक और डो ले लीजिए, आप एक गोला और ले लीजिए पेड़ा। ये देखिए, इसको आप फिर से सूखा आटा इसमें आप लगाइए, फिर से आप इसको बेलिए। सर्कल शेप में कर लिया है, फिर इसमें आप ऑयल लगाइए, फिर इसे आप एक डबल फोल्ड कीजिए, फिर यहाँ से कोना पकड़ के आप इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए ट्रायंगल शेप का पराठा है। अब इसको आप फिर सूखा आटा इसमें लगाइए और इसको बेल लीजिए। इस तरीके से ये आपका ट्राइंगल शेप का भी ये पराठा तैयार हो चुका है। अब हम पराठों को सेकते हैं। अब आप एक तवा ले लीजिए, तवे को थोड़ा गैस पे तेज आंच पे गरम कर लीजिए, फिर चेक करिए कि तवा गरम हो गया हो तो इस पराठे को आप इसमें डाल दीजिए। थोड़ी देर में इसे पलटाइए। तेल आप दूसरी तरफ डालिए पलटा के। आप चाहें तो इसे थोड़े कम तेल में भी आप इसे पका सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा ज़्यादा तेल में अगर इस तरीके से सेकेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये पराठे। अगर आपको लगता है कि आपका गैस की आंच बहुत तेज़ हो गई है और आपका तवा ज़्यादा गर्म हो गया है तो उसे आप एकदम धीमे आंच भी कर सकते हैं, लो फ्लेम कर लीजिए, जिससे कि आपके पराठे जले ना। ये देखिए, इसको इस तरीके से सेकिए दबा दबा के, क्योंकि दबाते हुए सेकेंगे आप तो ये क्रिस्पी बनेंगे। देखिए, इस तरीके से ये एक पराठा बन चुका है। अब इसे आप साइड में रख लीजिए। अब इसमें हम दूसरा पराठा सेकेंगे। थोड़ा सा वेट करके इसको पलटा दीजिए। अब इस तरफ थोड़ा तेल डाल के फिर से स्प्रेड करिए, पूरा फैला दीजिए। दूसरी तरफ पलटा के फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के स्प्रेड करिए, पूरा इस तरीके से फैलाइए। अब इसे भी इस तरीके से दबा दबा के देखिए। ये देखिए, इस तरीके से ये दूसरा पराठा भी बनके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप सारे पराठे अपने बना लीजिए। इस तरीके से ये पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। इन्हें आप अचार के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।